हेलो गाइस, आई एम बैक विद माय सेकंड व्लॉग। और आज हम आए हैं इंडस क्वीन, जो कि है कोटमिठन में वाक़। और मेरे साथ हैं मेरे एक दोस्त बाबर मकबूल लोधरा से, और साथ अरकम शेर पिताक साहब राजनपुर से। और चलें चलते हैं इस शिप को देखने जो हम देखने आए हैं। और ये मेरी बैक पे आप देख सकते हैं सिंध का टाइटैनिक। चलें चलते हैं अंदर। मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ करता चलूँ इस शिप के बारे में। ये राजनपुर से इलाका है कोटमिठन, तो उसकी ऑफ साइड पे ये वाक़ है। 1837 में इसे इंग्लैंड से मंगवाया गया था नवाब सादिक की जो वाइफ है मलका विक्टोरिया, तो उन्होंने ये लिया था शिप। जब गवर्नमेंट बनी तो ये शिप उन्होंने हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह को गिफ्ट कर दिया था। देन ये लोकल ट्रांसपोर्ट के लिए चला दिया गया था। ये सिंध के दरिया में चलता था। ये जो ऊपर दिखा रहे हैं ये मस्जिद थी, और ये नीचे ये टॉयलेट हैं, और ये साथ ही टैंकी है इसके। और ये टैंकी के आगे ये इसके पावर इंजन हैं जो चलते थे दैट टाइम। तो ये इसके दो पावर इंजन हैं। जब ये मतलब एक साइड सफ़र करता था तो एक चलता था, जब ज़्यादा पावर रिक्वायर्ड होती तो ये दोनों चलते। ये बिल्कुल सामने आपको ड्राइवर रूम नज़र आ रहा है, उसके बाद ये टर्बाइन थी, यहाँ से बिजली पैदा होती थी। पर ये कैप्टन बैठता था और उसको हेल्पर को बताता इसे इस साइड पे टारी करो, इस साइड पे ये रोड के ऊपर है, इस साइड पे ये पानी है। ये इसकी लास्ट और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि अगर जहाज कहीं लग भी जाता छोटे पानी में तो इसको धक्का नहीं लगाया जा सकता था। तो इसके शिप के साथ हर वक्त बंदी होती थी एक छोटी सी कश्ती लाइट, वो आगे को ले जाती थी, उसमें ये धक्का लग जाता था। इसको लिखती होती थी बहुत सारी तार खोल कर उसके बाद गहरे पानी में इसे डाल देते थे। फिर हमारा अमला यहाँ पर बांसी वगैरह डाल कर ना इसको घुमाता और इसको निपटती जाती थी, ये आगे को चलता रहता था। यहाँ पर ये फंक्शनल नहीं हो सकता, मतलब इसे गवर्नमेंट अगर इसका हो सकता है चलाओ चला नहीं हो सकता, लेकिन बस यहाँ पर तो सारा दिन यहाँ पर ऐसे दिया होते रहते हैं। इसका जो डैमेज हो चुका है बिल्कुल ख़त्म है, इसे ऊपर नहीं उठाया जा सकता। किसी मतलब पार्क में शिफ्ट करने राजनपुर है तो उधर इसके ऊपर होटल बन सकता है। अच्छा था, हाँ यही तो मैं कह रहा हूँ ना कि क्योंकि इसे इतना बड़ा ट्रला कैसे ले आएंगे जिसके ऊपर ये रखा जाए। तो अवल से तो इसे ऊपर उठाएं तो ये नीचे वाला ये तले नीचे चले जाएंगे, इसके वो तो है नहीं। ऐसा ऐसा इसके आइडिया। इंडस क्वीन देखने के बाद अब हम जा रहे हैं स्टीमर जहाज देखने चल के उसका विजिट करते हैं। राइट नाउ आई एम ऑन द शिप नोन एज स्टीमर। तो ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये पूरा उसका व्यू है। स्टीमर और इंडस क्वीन विजिट करने के बाद अब हम निकल रहे हैं घर की तरफ। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।